यहाँ पर हम देखेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में हम देखते हैं जैसे कि हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया था। वह लोगों को घरों जैसी अजीबो चीज में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है, और वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। तो वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा है। तो उसके पिता ने बताया कि यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है, इन्हें बनाने में लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते हैं, ये इंजन के द्वारा चलित होते हैं, और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग किए जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं, और ये धातुएं कहाँ से आती हैं? तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी के ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें, सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, सभी खनिजों से निर्मित हैं, और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों के द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिनमें हम खाते हैं। तो मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका और सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम देखें खनिज एवं दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान, यानी दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं, और कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ अपवर्जक अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। जैसे फ्लोराइड है जो दांतों को गलाने में, फ्लोराइड ये क्या करता है, दांतों को गलने से रोकता है, और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है ये। अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर र्यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक यहाँ पर प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है, यानी टूथब्रश या पेस्ट कोट ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर बताइए कि ये खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। जरा ध्यान से सोचेंगे तो रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं? तो जैसे कि सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। तो जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि भोज्य पदार्थ पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा एवं नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों है? तो आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टाने जैसे कि चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती है, लेकिन अधिकतर चट्टाने विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग होती हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुलकता है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्व का योग होता है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थिति का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व एवं विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं।
विद्या वह भूवैज्ञानिकों के द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं, और भूगोलविद खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु व खनिजों के भौतिक एवं रासायनिक संरक्षण से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे कि खनिजों का वर्गीकरण बताया गया है। खनिज हमारे होते हैं धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में भी हमारे लोह धातु होते हैं, लोह धातु में का जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सभी हैं। एलोय धातु है, एलोय धातु में से तावा, सीसा, जस्ता और बक्साइट एलोय धातु है। बहुमूल्य खनिज है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य धातु है। धात्विक खनिज हम देखें जैसे कि अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, और सल्फर फिर है यहाँ पर चूनासम है, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर है, और खनिज ऊर्जा की बात करें हम, जैसे कि ऊर्जा खनिज की बात करें जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा खनिज है। नेक्स्ट हम देखें कि सामान्यतः वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो ये वर्गीकरण दिखाया गया है। खनिजों की उपलब्धता की बात करें, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्क में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज से अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का अधिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण एवं संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य का निर्धारण करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं, जैसे अग्नेय और कालांतर चट्टानों में खनिज दरारें, जोड़े, ब्रंशों, विंदरों में मिलते हैं। छोटे जनाव सराव जमाव सराव के रूप में और वृद्ध जमा परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं या ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तावा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह की सराए व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संयंत्र और परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला एवं कुछ अन्य प्रकार की लोहे अयस्कों का निर्माण लंबे अवधि तक अत्यधिक खनिजों के निर्माण की एक विधि अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। यहाँ पर अपसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और पोटेशियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपघटन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश के व्यापक रूप से विषित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री तल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिका में धनी है। तो यहाँ पर रोचक तथ्य हम देखें जैसे कि रैटॉल खनन। रैटॉल खनन, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं? इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला और लोहे अयस्क, चूना पत्थर और डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट और खनन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि एक खुली
खदान यानी ओपन पिल्ट माइन, उत्खनन में एक सेप्ट युक्त भूमिगत खनन में क्या अंतर है? भारत अच्छे एवं विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असामान्य है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अपृक्त व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश पठार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी एवं पूर्वी पासरों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय शिलालेख क्रम के साथ राजस्थान में अनेक एलोय खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना और प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का संधारण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीविता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। लोहे अयस्क की बात करें, लोहे खनिज धात्विक खनिजों की कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। तो लोहे अयस्क की बात करें, लोहे अयस्क एक आधारभूत खनिज है, जैसे कि उड़ीसा में 33% लोहे अयस्क पाया जाता है और झारखंड में 28% लोहे अयस्क, छत्तीसगढ़ में 19% लोहे अयस्क, कर्नाटक में 11% लोहे अयस्क पाया जाता है। तो 2009-10 की रिपोर्ट है, ये है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है। तो क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ है घोड़ा, यानी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, और बेलाडीला की पहाड़ियां बैल की डील से यानी हम्बे से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है, इसका यह नाम पड़ा है डील। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि लोहे अयस्क की खादान है, तो यहाँ पर लोहे अयस्क के आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की ये रीढ़ है। भारत में लोहे अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहे लोहांश युक्त लोहे अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोग होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक होता है। भारत में लोहे अयस्क की पेटियों की बात करें, उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहे अयस्क है। मयूरभंज व यहाँ पर केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ों खदानों से निकाला जाता है। इसी से संबंधित या इसी से सन्नट झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ और नोवामुडीम से हेमेटाइट अयस्क की खनन किया जाता है। फिर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी और श्रृंखलाओं में अति उच्चतम कोटि या उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता की लोहे अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खादानों का लोहे अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान, दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। फिर बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिक्कमगलुरु तुमकुरु पेटी, यानी कर्नाटक की इस पेटी में लोहे अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अव्यवस्थित कुद्रेमुखी खाने 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़ी निक्षेपों में से एक मानी जाती है। लोहे अयस्क कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य की रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोह उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता में दोहन किया जाता है और मरमागाव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। फिर मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो यानी 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां और पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश हम प्रतिशत देखें, जैसे कि
कर्नाटक का 22% है, उड़ीसा का 25%, मध्य प्रदेश का 24% और अन्य का है 29%। तो ये भी मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश है जो कि 2009-10 की रिपोर्ट बताया गया है। तो महत्वपूर्ण खनिज के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लोह अयस्क खनिज है, जैसे कि ये मेकाल, भांड्रा, दुर्ग, बोड़ाविला लोह अयस्क खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कंद्रोसर ये वाला एरिया लोह अयस्क खनिज पाए जाएंगे, यहाँ पर भी लोह अयस्क खनिज पाए जाते हैं। लोह अयस्क के खाने यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे कि ये लोह अयस्क खाने हैं, यहाँ पर भी गोवा, मरमाओ में, रत्नागिरी में लोह अयस्क खाने हैं, चंद्रपुर में है, दुर्ग में है लोह अयस्क के खाने। लोह अयस्क के निर्यातक पतंग यहाँ पर दिखाए गए हैं, निर्यातक पतंग को हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंगलुरु है निर्यातक पतंग है लोह अयस्क, विशाखापट्टनम निर्यातक पतंग है, और फिर मैग्नीज का जैसे कि यहाँ पर है मैग्नीज का कंदलेसर के आसपास मैग्नीज का है, चित्रदुर्ग या ये कुंद्रेमुख के आसपास है मैग्नीज का, गोवा या मरमाओ के आसपास है, बॉक्साइट का हम देख सकते हैं, बॉक्साइट का यहाँ पर मेकाल में है बॉक्साइट का, और अभ्रक का हम देख सकते हैं, जैसे कि अजमेर और बेवर में भी है अभ्रक का, और गाबा यहाँ पर भी है अभ्रक का, कटनी कटनी में बॉक्साइट के अयस्क है। नेक्स्ट टाइम देखें, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 और 2001 में देश के कुल उत्पादन का एक तिहाई भाग यहाँ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर भारत में लोह अयस्क मैग्नीज कोयला और लोह इस्पात उद्योग के वितरण वाले मैग्नीज का अध्यारोपित करें तो हम यहाँ पर एलोय खनिज की बात करें। भारत में एलोय खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन इंजीनियरिंग में विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें, तांबे की बात करें, तांबा भारत में तांबे के भंडार एवं उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है और घात बर्ध तन्य एवं ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड की सिंहभूमि जिला भी तांबे का एक मुख्य उत्पादक है। राजस्थान के क्षेत्रीय खदानों में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध तो ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मलंज खंड में तांबा खदान ये दिखाया गया है। तो तांबे उत्पादन में राज्यों का प्रतिशत हम देखेंगे, राजस्थान का तांबे उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रतिशत है 48.48%, और उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में 29.9% है और झारखंड में 16% है। बॉक्साइट की बात करें, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपी की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विंकन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोह जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घात बर्धता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट की निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मेकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसके बाद में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ वर्ष 2009 और 10 में देश का 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। तो यहाँ पर हम देखें, एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था और अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता और आम मेहमानों को सोने के और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। तो इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। तो यहाँ पर हम देखें, अधात्विक खनिज की बात करें, अधात्विक खनिज में आ जाता है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो तथा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इनका 1,000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का भी हो सकता है। तो इस
इसकी सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विस्फोटन के गुण एवं उच्च वोल्टता की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के नीचे छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड के कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज के बारे में बात करें, जैसे चूना पत्थर है। चूना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकतर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए ये अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश 20% 50% है चूना पत्थर यहाँ पर होगा। कर्नाटक में 30% तो चूना पत्थर होगा। अन्य में 50% है। तो चूना पत्थर के उत्पादन में राज्यों का अंश यहाँ पर दिखाया गया 2009-10 की रिपोर्ट के अनुसार। तो खनिज के जोखिम हम देखें या खनन के जोखिम और खतरे, क्या आपने कभी खनिजों द्वारा अपने जीवन की सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिजों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? खनन का खनिकों के जो होते हैं उनको, उनके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ता है, पर्यावरण पर क्या फर्क पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों के यानी खदानों के छतों के गिरने, सैलाब आने या जलाप्लावित होने या कोयला की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे की खता लगाने से भूमि व मिट्टी का अपचय होता है और सरिताओं और नदियां का प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखें कि खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियमें और पर्यावरणीय कानूनों को क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनिजों का संरक्षण, हम सभी को उद्योग एवं कृषि की खनिज निक्षेपों एवं उससे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेपों की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी पर 1% और जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व साधारण में लाखों वर्ष लगे हैं हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर सकते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि इनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उसके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित एवं अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत खनन उत्खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता घटती जाती है। अपने खनिज संसाधनों की सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करना या करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, वृद्धि धातुओं का प्रयोग एवं अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि उन पदार्थों की सूची बना सकते हैं जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऊर्जा संसाधन की बात करें, ऊर्जा सभी प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है, जैसे कि खान पकाने में रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से यहाँ पर किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों की परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, दोनों जल विद्युत एवं ताप विद्युत सम्मिलित हैं, और गैर परंपरागत साधनों में सौर पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यकता ऊर्जा का 70% से अधिक
उन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन हो रहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इनके सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, इसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि कोयला है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाता है, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम देखें, जैसे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैसे कि कोयला क्षेत्र हम देखें, कोयला क्षेत्र ये जैसे कि सिंगरौली है, यहाँ पर ये सारा कोयला क्षेत्र है, ये पूरा कोयला क्षेत्र है। ये नैबली यहाँ पर है, ये पूरा क्षेत्र कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर इधर भी कोयला क्षेत्र है। कोयला की खानें जैसे कि नैबली है, सिंगरौली है, कोरवा है, सिंगरौली यहाँ पर है, और इधर यहाँ पर जैसे कि बकारो है, बकारो कोयला खदान है। और तेल क्षेत्र की बात करें, तेल क्षेत्र इधर गुजरात गोवा की साइड ये तेल क्षेत्र है, विजयपुर झाबुआ बड़ोदरा मुंबई हाई बसीन ये ओरिया जगदीशपुरम शाहजहांगीरपुर आमला ये सारे कोयला क्षेत्र है। दिल्ली पानीपत सोनीपत गुड़गांव मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र, जैसे कि ये प्राकृतिक गैस वाला क्षेत्र है। इधर भी वासिम की साइड भी है, थोड़ा यहाँ पर राजस्थान की साइड भी है प्राकृतिक गैस का, जैसलमेर की साइड, जैसलमेर बीकानेर की साइड, जैसलमेर की साइड है। और एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हम देखें, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जैसे कि ये एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ये वाली जो है दिल्ली की तरफ जा रही है, यहाँ पर घूम करके गुड़गांव की तरफ, इधर चंदरी जगदीशपुर की साइड जा रही है, इधर अंता की साइड जा रही है, ये प्राकृतिक गैस लाइन है एचवीजे। तो यहां पर हम देखें कि जो ये है, जैसे कि संपीड़न की यहां पर हम देखें, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। और दलदलों में छह होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिनमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा में एवं निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है और यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट का प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवली में मिलता है। विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे एवं अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमेंस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमेंस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है, एक गोडावन जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा है टर्सियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोडावन कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड, झरिया रानीगंज बेकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है गोदावरी महानदी सोन एवं बर्दा नदी घाटियों में भी कोयले के जमा पाए जाते हैं। टर्सियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। यहाँ पर यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों और उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम की बात करें, जैसे कि
भारत में कोयले की पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम एवं खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मनी मशीनों का स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों का कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधन शालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक एवं असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति एवं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति एवं गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष से तेल ट्रैप हुआ है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर एवं बहु पत्थर यानी कि बालू पत्थर होता है जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठाने और नीचे रिसने में रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र एवं असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैसें हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। तो हम तटीय तेल क्षेत्र देख सकते हैं कि अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना उत्पादक राज्य है, तेल उत्पादक राज्य। डिगबोई, नहरी कटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में और एक पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ साथ मुंबई हाई और सन्निकट क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले यहाँ पर तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें क्या है, ऊर्जा संयंत्र की बात करें, भारत के ऊर्जा संयंत्रों में आणविक ऊर्जा संयंत्र हम देखें, जैसे कि आणविक ऊर्जा संयंत्र केंगा में है, केलपक्कम में है आणविक ऊर्जा संयंत्र, तारापुर में है, काकरोरा है, रावतबाटा में ऊर्जा संयंत्र है, नारेरा में ऊर्जा संयंत्र है। और तापीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें, तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में बहुत है, जैसे कि तूती कोरीन है, नेवली है, विजयवाड़ा, कोडागुड़म, पर्ली, भुसावल, नासिक, उरण, ट्रांबे, सतपुंडा और साबरमती धुरवण, अहमदाबाद, वानिके, दिल्ली, पनकी, खरीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, कोरबा, वरौनी, चंद्रपुरा। और यहाँ पर हम देखें कोलकाता, तलचर, इन सभी में तापीय विद्युत संयंत्र हैं। तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसे एचवीजे गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। यह धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। इस धमनी से ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। विद्युत की बात करें, औद्योगिक आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग के विकास का सूचक संसूचक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, प्रवाही जल में हाइड्रो टरबाइन चला करके जल विद्युत उत्पादन करता है, और अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को चलाने से टरबाइन चला करके ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। जैसे कि तेल बहते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है जो एक नवीकरणीय युग संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गैस अनवीकरणीय युग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि
अपने राज्य के ताप विद्युत ग्रह की जानकारी एकत्रित करके प्रयुक्त ईंधनों का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा की साधन, ऊर्जा के बढ़ते उपभोग से देश की कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें और उनका संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैवीय ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग को बहुत जरूरत होती है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल और जीवधार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन के विकास हेतु वृद्ध कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। परमाणु एवं आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना के बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर हम देखेंगे 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाई गई है। इसके राज्यों के नाम याद करें और इनमें ये अवस्थित है। सौर ऊर्जा की बात करें, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलो और लकड़ी पर निर्भरता का न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। तो यहाँ पर हम देखें पवन ऊर्जा की बात करें, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन को महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नारकोयल और मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। फिर नागर कोयल और जैसलमेर देश में भी पवन ऊर्जा के प्रभाव प्रयोगों के किए जाते हैं। फिर हम देखें बायोगैस के बारे में बात करें, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियां, कृषि अपशिष्ट, पशुओं एवं मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलो और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है और यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलो और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बना करके बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतारने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरह बहाया जाता है और इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाया जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुदूर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी प्रेंगामी ढंग से प्राप्त यानी तप्त होती जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और इतना तप्त हो जाता है कि वह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है।
भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूमा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग और परिवहन और वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। इसे हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के निजी वाहन का अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके तब प्रयोग न हो रही हो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग से और गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है।